शिव के सच्चे भक्त कौन है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त कौन है। कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का एक बड़ा ही भव्य मंदिर था। उस मंदिर में हर वर्ष दूर दूर से भक्तगण अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार श्रावण के महीने में दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए, जिस कारण मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरी तरह से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी और फिर सोने का एक थाल नीचे गिरा। फिर एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनकर हैरान हो गए। फिर धीरे धीरे सभी उस थाल के पास इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्होंने वहां पर देखा कि एक सोने का बहुत बड़ा सा थाल आसमान से धरती पर गिरा है। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। फिर सबने पहले एक पंडित जी भीड़ से आगे आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। फिर एक एक कर वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी शिव जी का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर आगे चलना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सभा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा बहुत लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और ही बनता गया। हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तबे दला, दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना वो लाया था वो उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आया। परिक्रमा करके जानते हुए उसने देखा और पीछे से एक व्यक्ति ने बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसे ये थाल मिलना चाहिए। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीनों से एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का एक सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो यहाँ पर कोड़ियों के समान है, अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अंत में लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर लोगों में
खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुमने कैसे भक्ति की और तुम भक्ति कैसे करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। यह सुनकर किसान बोला, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून के लिए, दूसरों के चेहरे का जो चमक होती है वो मुझे सुकून देती है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो मुझे आनंद और खुशी होती है मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, सत्य कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी शिव के सच्चे भक्त की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक रोचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।